वीडियो पॉज हो गई थी, तो फिर से शुरू कर लेते हैं। ये जो अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सोशल समाज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 के लिए कक्षा 6, इसमें 3 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आवर पास्ट 1, हमारा अतीत 1 पहला, और दूसरा द अर्थ आवर हैबिटेट, मतलब आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2, आवर पास्ट 3 करके 3 टॉपिक्स हैं। इसमें हमारा अतीत आवर पास्ट 1 यानी हड़प्पा से लेके हर्षवर्धन के काल को, हर्षवर्धन यानी 2000 बीसी से 800 बीसी 800 एडी तक पढ़ेंगे, 800 एडी तक के समय को अध्ययन किया जाएगा। दूसरा टॉपिक, दूसरा थीम इसमें जो है विषय है या प्रसंग जो है वो द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा निवास, पृथ्वी हमारा निवास। और फिर तीसरा जो टॉपिक्स है इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी पॉलिटी कह सकते हैं इसको, पार्ट 1, पार्ट 2 7th क्लास में, फिर 8th क्लास में, ऐसे करके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। इसमें आवर पास्ट 1 ये जो पहला टॉपिक था जो अध्ययन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री भी कह सकते हैं इसको, आवर पास्ट 1 हमारा अतीत 1। थीम कवर्ड इन दिस यूनिट, इकाई में कौन कौन से प्रसंग या विषय का अध्ययन किया जाएगा। इसका पहला चैप्टर है वेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। फिर दूसरा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट, अतीत को पढ़ने के या जानने के साधन। तीसरा टॉपिक यहाँ पे तीसरा टॉपिक है द अर्लीस्ट सोसाइटी, सबसे पहला समाज, सबसे पहला या सबसे पुराना, सबसे पुराना सबसे पुराना सबसे पुराना सबसे पुराना समाज, ठीक है, सबसे पुराना समाज। और फोर्थ चैप्टर था द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, पहला किसान और चरवाहा। इसी के साथ चैप्टर 5 है, अध्याय 5 का नाम है द फर्स्ट सिटीज, द फर्स्ट सिटीज। यानी पहला शहर, तो इस तरह से पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर का नाम है डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, वेदास एंड डियर टीचिंग। जीवन जीवन शैली के अलग अलग रास्ते, तरीके जीवन जीने, जीवन शैली के अलग अलग तरीके, वेद और उसके, वेद और उसके शिक्षक। तो इस तरह से चैप्टर 6 तक था, और भी है, एक एक करके और भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, एक कंटेम्प्रेरी चार्टलेटिक सेटलमेंट, एक कंटेम्पोररी चैल्कोलिथिक सेटलमेंट, कंटेम्पोररी चैल्कोलिथिक कंटेम्पोररी हिंदी होता है इसका, समकालीन ताम्रपाषाण दोस्ती। अध्याय 8,
अध्याय 8 में जनपद जनपदाज एंड महाजनपदाज, जनाब जनपदाज एंड महाजनपद, महाजनपद जनपद और महाजनपद। चैप्टर 9 यानी अध्याय 9, उपनिषद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उपनिषद। उपनिषद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उपनिषद जैन एंड बुद्ध वाद, ये चैप्टर 9 था। अध्याय 10 द फर्स्ट एम्पायर, द फर्स्ट एम्पायर का मतलब हुआ पहला साम्राज्य, मगध। 11 11 अध्याय नंबर 11 का क्या है, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेज, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेज। शहरों में जीवन, शहरों एवं गांव में जीवन, 11 नंबर अध्याय है। 12 नंबर अध्याय है लाइफ इन टाउन, 12 नंबर है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, कॉन्टैक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स। दूरस्थ भूमि से संपर्क, तेरा नंबर अध्याय, अध्याय नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13, गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर अध्याय नंबर 13, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। गुप्ता साम्राज्य अध्याय नंबर 14, हर्षवर्धन, अरे इसमें और हिंदी लिखना है ना, राजनीतिक, राजनीतिक विकास, हर्षवर्धन पॉलिटिकल इवेंट। हर्षवर्धन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हर्षवर्धन राजनीति, द पल्लवाज एंड चालुक्यास। 15 नंबर अध्याय का नाम क्या है, द पल्लवास, और चालुक्य का
राजनीतिक विकास। इस तरह से 15 और ये 16 चैप्टर नंबर है लिटरेचर कल्चरल से, लिटरेचर कल्चरल साइंस, लिटरेचर यानी साहित्य, साहित्य कल्चर यानी संस्कृति, और विज्ञान ये 16 नंबर था। 17 आर्किटेक्चर, पेंटिंग, हाँ देखिए 17 एग्रीकल्चर पेंटिंग और क्या था, स्कल्प्चर, स्कल्प्चर और एंड साइंस कल्चर एंड साइंस। इसका मतलब होता है वास्तविक कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला है, और भी क्या देखिए करके सभी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, पहला अध्याय कौन सा, वेन वेयर एंड हाउ, ये था इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू कर देंगे क्या, पहला अध्याय आवर पास्ट वन का पहला चैप्टर, अतीत, वेन वेयर एंड हाउ। तो यहाँ तक करने देते हैं, अगले क्लास से अगले लेक्चर करते हैं। थैंक्स। ये इंट्रोडक्शन था जिसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसका नाम बता रहे, उसके बारे में पढ़े थे कहीं पढ़ने हैं, इसमें मोटा मोटी कहाँ तक पढ़ना होता है। ये जो हमारा पास्ट है, हमारा अतीत, हमारा अतीत वन, इसमें हम 2020 ये नंबर लेंगे, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 880 है, इसके बीच में 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से करते 870। और जब से काउंटिंग शुरू हुआ है उससे 2000 साल पहले बीच के इतिहास को पढ़ते हैं, कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास 2020 इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये 0 हो गया, ये हड़प्पा या सिंधु, सिंधु सभ्यता, और ये हो गया हर्षवर्धन 1947 हमारे याद है हर्ष, तो हर्ष हड़प्पा, हर्ष हर्षवर्धन, इस लिहाज से पेन साहब हड़प्पा से लेके हर्षवर्धन तक के काल को पढ़ना है। आसर हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा हड़प्पा एक्चुअली में रावी नदी किनारे पर है, ठीक है, और सिंधु नदी किनारे पर मूल गांव है, एक एक करके पढ़ लेंगे। तो ये हड़प्पा से ये यहाँ का तक का जो काल है इसको कहेंगे हड़प्पा से हर्षवर्धन तक के काल। अब ऐसा कुछ नहीं होता इतिहास में कि रात में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 1947 में, मान लीजिए हर्षवर्धन मर जाते हैं, 590 में राजा हर्षवर्धन की जन्म होती है, पर्थ हर्षवर्धन 1600 में राजा बनता है, 1447 में मर जाता है। तो
ऐसा कुछ नहीं होता कि 1947 में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है और अगले दिन से मध्यकालीन समय, ऐसा कुछ नहीं, कुछ समय बीतता है। उसके बाद ये लगभग 1947 से 800 तक, ठीक है, दोनों के बीच का समय चलता है ये। इसमें ना यहाँ से प्राचीन से चीजें बदलने लगी और प्राचीन से मध्य की तरफ, मध्यकालीन भारत की तरफ, भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, डेवलपमेंट है, उस तरह से मूवमेंट होने लगा था। और देखने लगा था झलक कि अब चीज़ें परिवर्तित होगी और प्राचीन काल समाप्त होने वाला है, मध्यकालीन शुरू होगा। ऐसा कुछ उस समय नहीं था। आज के इतिहास, इतिहास का, इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के इतिहास, भारतीय इतिहास तीन भागों में बांटते हैं। पहले तो दो डिवाइड, दो तरह से विभाजन करते हैं। पहला विभाजन है कि जिस प्राग है, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, और दूसरा है जहाँ से एविडेंस है, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक यानी जिसके रिटेन एविडेंस नहीं है, यानी हड़प्पा से पहले के काम, हड़प्पा से पहले के समय, हड़प्पा से पहले का समय, हड़प्पा के बाद का समय। दो डिवाइड हुआ, ये हो गया 0 और ये हो गया हड़प्पा और इससे पहले। ये इतिहास हो गया जहाँ से माना जाता है, जिसके एविडेंसेज मिलते हैं अधिकांश लिखित, और इसके पहले हड़प्पा से पहले के काल को कहते हैं प्राग्ञतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री। इधर कितना भी जाएंगे हड़प्पा से पहले प्राग्ञतिहासिक, उसके बाद का जो भी इतिहास माना गया। हड़प्पा का काल लगभग 2700, फिर कहीं 2400 से 1700 दिया जाएगा। ये BC है, मतलब 21वीं सदी शुरुआत से पहले, लगभग 2400 BC 1700 BC के बीच का समय माना जाता है, जिसमें हड़प्पा बने। हड़प्पा के बाद के समय, हड़प्पा से पहले का समय, दो तरह से क्या, हड़प्पा के बाद के समय। तो हड़प्पा से बाद के समय को तीन भागों में बांटा जाता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पहला होते हैं हड़प्पा से हर्षवर्धन, यानी कि 2000 लगभग 2400 BC ले लो, 2400 BC से 800 AD दूसरा, दूसरा हो गया हर्षवर्धन के बाद, बाद से पंजाब के समय, पंजाब की मर्जी थी यानी 800 से 1700 साल। एक्चुअली में इसको मोटा मोटी 800 से 1800 मध्य का मध्यकालीन भारत का इतिहास। और फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया तीसरा, 1800 ये जो काल है बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इस तरह से
इस तरीके से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास मध्यकालीन भारत के इतिहास भारत के यानी कि इसको एज के हिसाब से देखें तो 2000 से 2000 BC ये 800 AD तक, 800 AD से 1800 AD तक, 3200 AD, 1800 AD से 2000 AD अभी एक और चीज इसमें जानना था कि ये नंबर नहीं हुआ निकला है। आज हम लोग 2023 में, इससे पहले 2024 हुआ होगा, 2024 से पहले 2023 में, 2022 हुआ होगा, 2021 हुआ होगा, 2000 हुआ होगा, 1900 और उससे पहले भी हुआ होगा, 1800, 1700, 1600। इस तरह से करते करते अगर पीछे जाए एक समय आया होगा जहाँ 0, 100, 200, 300, 400, 1000 पृथ्वी और इसके पहले का। ऐसा तो नहीं कि धरती आज ही बनी, इससे पहले भी जीवन तो जी 100 साल पहले जब से काउंटिंग शुरू की उससे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे करते जाएंगे तो माना जाता है कि लगभग 20 लाख, 20 लाख मनुष्य का जो आखिरी समय यानी कि आसान पर तो देखते हैं इसमें लिखे की शुरुआत लगभग 13 साल 12 बारह ठीक है। यानी ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है ध्यान से, ब्रह्मांड का निर्माण होता है एक पॉइंट रहता है जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो ना ऊंचाई हो, ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करते हैं क्या होता है, फैलने लगता 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 है। तुम्हें आता है कि ये तो धूल कण मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी प्लस एनर्जी। हाँ तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में वो पोर्शन देख रहे थे जब 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी अभी माना जाता है सर्वमान्य थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक पॉइंट से शुरू हुआ और ब्लास्ट करता है ब्रह्मांड और पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और ऊर्जा दोनों तैरने लगते हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तैर रहे होते हैं, तैरते 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 एक समय आता है लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले और ऐसा स्थिति परिस्थिति क्रिएट होती है जो जिससे हमारे सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य निर्माण कैसे होता है, सूर्य का निर्माण गैस और धूलकण के मिलने से होता है, धूलकण यानी कि प्लस एनर्जी ऊर्जा के कंबाइन होने से ये सूर्य का हमारे सूर्य सौरमंडल का निर्माण होता है और इससे पृथ्वी बनती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें जो लावा था ठंडा होता है, पृथ्वी का जो लावा वो ठंडा होता है कंबाइंड होता है, जियोग्राफी में से पढ़ेंगे। और ये कंबाइंड होने के बाद पृथ्वी पे लगभग 3.7 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत होती है और ये जीवन कहाँ शुरू होता है, ये जीवन समुद्र में शुरू होता है, समुद्र में शुरू होता है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही किसी भी शुरू हो गया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 13.7 अरब
साल पहले की बात थी, 13.7 अरब वर्ष पहले क्या होता है, ये बिग बैंग थ्योरी है। अभी दिया गया बिग बैंग थ्योरी इसका नाम है, जिसके इस थ्योरी में ये बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट के पास केंद्रित थी, ब्लास्ट होता है और धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड मैटर यानी पदार्थ और ऊर्जा दोनों फैल जाता है, एक केंद्र में एक बिंदु पे केंद्रित था और फैलना शुरू हो जाता है, फैलते 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 एक समय ऐसा आता है जब ये धूलकण और जो एनर्जी पदार्थ और ऊर्जा जो तैर रही थी वो कंबाइंड होती है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ये जो कंबाइंड ऊर्जा है वर्ष पहले सूर्य सौर्य परिवार का निर्माण करता है, सौर्य परिवार का निर्माण करती है। हाँ तो शुरू करते हैं, देखना ये Ibillion ईयर देखो, तो बिलियन और बिलियन को लिखना सीखते हैं, बिलियन कैसे लिखा जाता है देखते हैं। 13 बिलियन हो गया, और इसके बाद आता है मिलियन, इसके बाद आता है थाउजेंड, और इसके बाद आता है इकाई। ये हो गया 13 बिलियन, ये इकाई वाला घर, या वंश वाला घर, ये हो गया ये थाउजेंड वाला घर, ये 1000 वाला घर है, और ये मिलियन वाला, और ये बिलियन वाला, और इसके बाद रहता तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बात थी, इसमें ऐसे काउंट तीन तीन करके काउंट करते हैं, इसको इकाई वाला कहते हैं, इसको थाउजेंड वाला कहते हैं, इसको मिलियन वाला कहते हैं, इसको बिलियन वाला कहते हैं। इसको सिंपल काउंट करने का तरीका है 13, 678 और 715 है और 813, इसको बोलेंगे 13 बिलियन। इसके किस घर में, ये मिलियन वाले बिलियन वाले घर में है, ये कौन सा घर में है, ये घर है मिलियन वाला, और ये कौन सा घर है, ये थाउजेंड वाला घर है, ये 1000 वाला घर है, और ये है इकाई वाला यानी ये वंश वाला, तो इसको बोलेंगे 13,678,715,000 और 813। सिंपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 13,7,7,6,6,6,2,1,1,3 1,1,2, तो इसको काउंट करेंगे, ये है बिलियन वाला, ये है मिलियन वाला घर है, और ये हो गया थाउजेंड वाला, और ये है इकाई वाला यानी वंश वाला। ऐसी परिस्थिति में से काउंट कैसे करेंगे, 13 मिलियन ये जो जिस घर में उसका टाइटल लगा रहे हैं, जैसे बिट्टू ज्यादा घर में पैदा हुआ है तो उसके पीछे लगाते हैं बिट्टू ज्यादा, ठीक है, तो इसी तरह से 13 बिलियन इसके पीछे लगा देना है, इसमें 3 से ज़्यादा नहीं लेना है एक साथ, और 3 को नॉर्मल काउंट करना है, 13,776,000,000, 13,776,000,000, 662,112। इस तरह से आप शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी की शुरुआत, हमारा इतिहास, इतिहास शुरू होता है ब्रह्मांड के शुरू होने से। ब्रह्मांड का शुरू कब हुआ था, ये पॉइंट एक पॉइंट था, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इसे, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ कि एक पॉइंट में सब चीज ऊर्जा और प्लस में पदार्थ यानी एनर्जी प्लस मैटर दोनों एक पॉइंट में केंद्रित एक बिंदु में था, ब्लास्ट होता है किसी कारण से, ब्लास्ट होता है अंदर इंटरेक्शन चलते हैं और ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद मास यानी पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ और प्लस ऊर्जा तैरने लगते हैं ब्रह्मांड में, तैरने लगते हैं यूनिवर्स में, फैलने लगते हैं, फैलते जाता है, फैलते जाता है, और एक समय आता है, ये कब का समय, ये 13,8 या 700 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन वर्ष पहले
इसको हम लोग अपने ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको काउंट कर लेते हैं कि 13 बिलियन हो गया, 8 मिलियन हो गया, बिलियन मिलियन, थाउजेंड और हजार, हजार वाला हो गया, ये इकाई वाला हो गया। अपने हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, 3 अंक फिर 2 अंक, कलर बदल लेते हैं। पहले 3 अंक काउंट करते हैं हम लोग, फिर 2 अंक काउंट करते हैं, फिर 2 अंक काउंट करेंगे, फिर 2 अंक काउंट करेंगे, फिर 2 अंक काउंट करेंगे। देखने एक इकाई प्लस घर हो गया, ये हो गया हजार वाला घर, ये हो गया लाख वाला घर, ये हो गया ये लाख के बाद करोड़, और करोड़ के बाद अरब। इस तरह से इसको काउंट करेंगे क्या होगा, 13 अरब, 13.8 अरब कह सकते हैं इसको। इस तरह से बिलियन और अरब सिमिलैरिटी ज्यादा आती है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 13.8 बिलियन को डायरेक्ट लिख सकते हैं 13.8 अरब। इसी का पति आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, और ब्रह्मांड की शुरुआत होने में क्या था, टिन्नी मतलब छोटे 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 कण एकदम डेंस थे, एक जगह संगठित थे, संगठित थे एक पॉइंट में, एक बिंदु पर। जैसे ब्लास्ट होता सब फैलने लगते हैं, फायर बॉल की तरह जलता हुआ गेंद की तरह फायर बॉल, और वो क्या होता है ब्लास्ट कर जाता, फूट जाता है। दैट ब्लास्ट एक वीडियो दिखा देता हूँ, एक वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ, कॉपी ऐड कर दें, तो एक फोटो दिखा देता हूँ। ये रहा गूगल प्रूफ और ये रहा सर्च पर, ये सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए क्या है, मैं सर्च करता हूँ ना इसी की तरह। क्या बारिश यूनिवर्स, ये देखना इमेज देखना, एक 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 पॉइंट का ब्लास्ट होता है, कुछ इस तरह की इमेज बनता है, ये दिख रहा है कि इस तरह से ब्लास्ट करता है, और पदार्थ और ऊर्जा तेजी से एक्सपेंड करना शुरू होते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। 13.7 दिख रहा है, 13.7 ईयर देखो, इस तरह का ब्लास्ट होता है और फैलना शुरू होता है एनर्जी, ऊर्जा, क्या ऊर्जा और पदार्थ दोनों फैलना शुरू होते हैं, तेजी से फैलना शुरू करते हैं, तेजी से एक दूसरे दूर भागते हैं। और कुछ है देखा होता हूँ, नहीं यही था, चलते हूँ मैं। बिग बैंग थ्योरी को ऐसे माना जाता है कि ये पॉइंट था, तब से एक पॉइंट पे केंद्रित थे, और यहाँ से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है तेजी से ऐसे फैलना शुरू होता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है। ये 10^32 सेकेंड, -32 सेकेंड दिख रहा है, 10^-43 सेकेंड, इतना तेजी से कम समय में, बहुत कम समय में ये सब तेजी से एक्सपैंड हो जाता है, सेकेंड के 10^1 और उतने छोटे से हिस्से में, 1^10/43, 1/10^43 वह सेकेंड, सेकेंड का 1/10^43 वह सेकेंड का जो हिस्सा है ना, वो पार्ट उसमें इतना एक्सपेंड कर जाता है। धीरे धीरे एक्सपेंड करते हुए 1 सेकेंड में जब परिस्थिति होती है तो इस तरह का कुछ गैलेक्सी वगैरह बन जाते हैं, गैलेक्सी वगैरह का निर्माण हो जाता है 3 मिनट में। देखो इतना उस ब्लास्ट के 3 मिनट के बाद इतना सारा गैलेक्सी का निर्माण हो चुका होता है, और वही जब लगभग 300,000 ईयर हो जाते हैं तो फिर पूरी तरह से ये गैलेक्सी का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, ये कुछ इमेज है जिस तरह से यूनिवर्स का हिस्ट्री दिखाया गया, यूनिवर्स शुरू हुआ
और तेजी से एक्सपेंड करते गया। उसमें जो सेकंड्स दिखा रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कितने सेकंड में कितनी कितना चीजों का निर्माण हो चुका। ये अलग अलग फोटोज देख सकते हो बिग बैंग थ्योरी का अलग अलग, ये वाला, ये वाला, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ये सब फोटोज एज्यूम करके बनाए गए कि काश ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो। बिग बैंग थ्योरी इस तरह से जब स्टार्ट हुआ, फिर इस तरह से फैलते गया, फैलते फैलते ऐसा फैल चुका है। ये दूसरा, ये तो दिखा ही चुका हूँ। और देखो ये देख सकते हो, इस तरह से ब्लास्ट किया होगा तो उसके बाद इस तरह से कुछ घटनाएं घटी हुई, कुछ इस तरह से घटनाएं घटी हुई, ऐसा एज्यूम किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी अनुमान लगाती है, बिग बैंग थ्योरी के तहत ये अनुमान लगाया है साइंटिस्ट ने, ऐसा एक ही प्रपोजल दिया है, इस तरह से कुछ हुआ होगा, ऐसी घटनाएं हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये एग्जैक्ट कुछ ज़्यादा ये दिखाएगा, ये ब्लास्ट होते हुए दिखा रहा है, ध्यान देना, ये भी ब्लास्ट होते हुए दिखा रहा है। पदार्थ और ऊर्जा बिखर रही है, तैरना शुरू कर दी, ये पदार्थ ऊर्जा कंबाइंड होकर तारा और ग्रहों का या गैलेक्सी का निर्माण कर रही है, ये भी एक गैलेक्सी का निर्माण कर रही है। ये देखिए कुछ इस तरह के गैलेक्सीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के गैलेक्सीज होते हैं, ये ब्लास्ट होते हुए लग रहा है कि दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारी इमेज देख सकते हैं। तो ये ब्लास्ट होने के बाद इस तरह से इसका इसके इसको जन्मदाता कौन थे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में किसने बताया था पहले में, ये थे, एक मिनट बताता हूँ, जॉर्ज लेमेंटा 1898 1986 इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। फोटोज दिखा दी, आगे बढ़ती है। बिग थ्री के बाद क्या होता है, दूसरा है, दूसरी ईयर 4.568 बिलियन ईयर बोलो, ईयर्स देखो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, अरब, हिंदी में क्या बोलेंगे, अरब वर्ष पहले, 4.568 अरब वर्ष पहले ये ब्लास्ट होता है। ये इसमें ना ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, खींचती है, जैसे हम तुमको खींच रहे हैं, आसपास एक क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे को आपस में अटैक कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण, पृथ्वी से हम लोग बाहर नहीं चले जाते क्योंकि अट्रैक्ट ग्रेविटेशन फोर्स है ना, हम लोग को बांध के रखती है, बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिव हुआ और इसी समय प्लैनेट यानी ग्रह, ग्रह प्लैनेट और सूर्य का निर्माण होता है, सूर्य का निर्माण होता है। अब सूर्य का निर्माण हुआ, सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम बनने के बाद क्या होगा, सोलर सिस्टम जैसे ही बनता है 4.28 बिलियन ईयर्स में, एक ये जो समय है 4.28 बिलियन ईयर्स से वो, और इसी ये 3.7 बिलियन यानी अरब वर्ष पहले इतना अरब वर्ष पहले इन इसी बीच में जीवन की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत पर बहुत छोटे फॉर्म में, हाँ समुद्रों में, समुद्र में यानी जलीय जीवन,
की शुरुआत होती है समुद्र के अंदर। तीन दशमलव 465 बिलियन और अरब में कन्फ्यूजन मत लीजिए, अरब वर्ष पहले। चीजों से मैं था एक रॉक मिला और अश्रेलियन एपेक्स सर्ट रॉक। तो उसमें वायरस मिला, वायरस 19 किलोमीटर दो सरफेस किलोमीटर अप टू सरफेस। इस तरह से हम एक मानव प्रजाति के फ्यूचर पर अर्थ टाइमलाइन लिखते हैं, अर्थ का टाइमलाइन। पृथ्वी की समय बनाने की कोशिश करते हैं। पहले पृथ्वी की समय रेखा 4,306 अरब साल पहले, अरब बोलो या बिलियन बोलो दोनों इसमें अर्थ बन, अर्थ फॉर्म यानी यानी पृथ्वी का निर्माण। दूसरा क्या हुआ फिर, चार दशमलव 5 अरब या मिलियन कोर, पृथ्वी का कोर या क्रस्ट फॉर्म है। धरती के तीन लेयर हैं, ये बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाले लेयर को बोलते हैं मेंटल, और जिस बीच में एकदम बीचों बीच धरती के बीचों बीच है उसको कोर बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, तो लगभग 4.5 अरब या बिलियन वर्ष पहले ये निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा प्रश्न, लगभग 4.4 अरब या बिलियन या बिलियन वर्ष पहले। धरती पे पृथ्वी पे समुद्र का निर्माण होता है, समुद्र का निर्माण होता है। फिर जाता है चौथा, 3.8 अरब या मिलियन वर्ष पहले। फर्स्ट जीवन, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। जीवन कृषि पर शुरू होता था। पांचवा, 1.5 अरब या बिलियन वर्ष पहले। 1.5 अरब वर्ष पहले क्या होता, ऑक्सीजन बिगेन टू एक्युमुलेट इन द अर्थ। इन द अर्थ एटमोस्फेयर एक दशमलव 5 अरब या बिलियन वर्ष पहले ऑक्सीजन बिगेन टू एक्युमुलेट इन द अर्थ वातावरण, पृथ्वी के वातावरण में। ऑक्सीजन
लगता था कब? 1.5 अरब वर्ष पहले, या 1.5 बिलियन वर्ष पहले? 700 मिलियन में, 700 मिलियन में, 83 इसको बोलेंगे, 0.8 अरब। फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट जानवर इस वर्ल्ड, फर्स्ट एनिमल, पहला जानवर इवोल्व करता है कब? 0.7 अरब वर्ष पहले, या 700 मिलियन वर्ष पहले? सात, 530 मिलियन वर्ष पहले, या 0.53 अरब वर्ष पहले? फिश या मछली? मछली कितना वर्ष पहले? मछली आती है, मछली का जीवन शुरू होता है, मछली की एक फॉर्म, मछली की तरह जैसे आज मछली दिखते हैं उस तरह का जीवन, जीव धरती पे रहना शुरू कर दिया था कब? 0.5 अरब, या फिर 0.5 यानी 530 मिलियन वर्ष पहले? आठवां, 400 मिलियन वर्ष पहले, 400 मिलियन वर्ष क्या लिखेंगे? 0.4 अरब वर्ष पहले? फर्स्ट लैंड प्लांट, पौधे आते हैं लेकिन धरती पर, फर्स्ट लैंड प्लांट यानी प्रथम भूमि पौधा, यानी भूमि पर उगने वाला प्रथम पौधा, और ये ओजोन का निर्माण करना शुरू है, पृथ्वी फॉर्म, ओजोन, ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण शुरू हो गया 350 मिलियन ईयर। यानी 0.350 अरब वर्ष पहले 35 लाख मिलियन ईयर। तो 35 करोड़ कैसे पैसे? इसका थोड़ा लिख देते हैं, 350 मिलियन है ना, 1000 तक यही कहेंगे सर, ठीक है? अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं उस हिसाब से, तीन फाइनल सिस्टम कन्वर्ट होगा, ये इकाई वाला, ये 1000 1000 वाला, और ये हो गया लाख वाला, 1000 और ये लाख वाला कर, और ये फिर हो गया करोड़ वाला, यानी कि इसको 35 करोड़ लिख दें, 35 करोड़ वर्ष पहले। पैंतीस करोड़ वर्ष पहले, 35 करोड़ वर्ष पहले फर्स्ट फैटी बैटरी, फर्स्ट लैंड फर्टिलाइजर, बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा, फर्टिलाइजर पहले वर्टिब्रेट्स जंतु शुरू हुए, ये दिख रहा है वर्टिब्रेट वाला जानवर, वर्टिब्रेट का मतलब होता है रीढ़, रीढ़ की हड्डी, ये देखिए अस्कल हो गया, ये अस्कल है, और ये जॉ है, जॉ के बाद ये है बैकबोन, इसी को वर्टिब्रेट कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, और ये लंबे है, ये रिब केज है, इसके ये वर्टिब्रेट्स देखिए होगा, वर्टिब्रेट्स पहले
पहले तो रेड समझ लीजिए, वर्टिब्रेटा ही रेड है। रेड देख के चलते वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ। तो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, ऐसे जीव जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, और वो समुद्र में तो रह रहे थे लेकिन पृथ्वी पे नहीं रह पा रहे थे, भूमि पे नहीं रह पा रहे थे। भूमि पे रहना कब शुरू किए थे? लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले। 35 करोड़ वर्ष पहले फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स ऐसे कशेरुकों, मतलब रीढ़ वाले, जिनकी रीढ़ थी, ऐसे जीव जिनके रीढ़ थे, रीढ़ की हड्डी थी, तो वो शुरू हुए रहना लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले। 8वां पॉइंट था, नौवे वो 10वां पॉइंट क्या था? 225 मिलियन ईयर एगो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, 22.5 करोड़ वर्ष पहले। तो 22.5 करोड़ वर्ष पहले क्या था? फर्स्ट डायनासोर, फ्रॉम लिजार्ड्स, प्रथम डायनासोर। और क्या था अब 11 पॉइंट देखते हैं, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले। करोड़ का हो या मिलियन का हो, सॉरी 6.5 करोड़ वर्ष पहले, वर्ष पहले। ये जो डायनासोर थे ना, एग्जिस्ट यानी डायनासोर एक्सटेंड कर रहे, खत्म हो गए, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुए थे और 6.5 करोड़ वर्ष पहले खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। डायनासोर के खत्म होने का कारण माना जाता है ये चेन ऑफ अर्थक्वेक, लगातार अर्थक्वेक भूकंप आना, चेन ऑफ अर्थक्वेक भूकंप, बार बार भूकंप, पहला कारण। दूसरा सुनामी यानी तूफान, पहला चेन ऑफ अर्थ के, तो दूसरा सुनामी तूफान के कारण, या फिर वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। और कारण लिख सकते हैं 10 प्रशिक्षित, और ज्वालामुखी उद्गार क्या हुआ? डस्ट बहुत सारे आए होंगे और एसिड यानी अम्लीय, डस्ट यानी डस्ट का मतलब तो समझते हो, धूलकण, धूलकण और प्लस अम्ल कमांड होके ऐसी परिस्थिति में आती है कि डायनासोर खत्म हो गए। अब यहां से शुरू होता है लगभग 0.13 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 1,30,000, यानी कि 1,30,000 वर्ष पहले, यानी कि 1,30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का जन्म हुआ। आधुनिक मानव का जन्म हो गया लगभग
1 लाख 30 हजार, ये हमारा मॉडर्न युग जो आज दिख रहा है उसी के पूर्व, हम के पड़ोस शुरुआत होता है। थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, इसको कहते हैं होमो सेपियंस इन अफ्रीका, होमो सेपियंस। फ्री शुरू करते हैं, देखते हैं फोटोज वगैरह, ये देख लो होमोसेपियंस की इमेज, ध्यान से देखना और बड़ा कर लेते, ये तो यार और छोटा हो गया, मैं तो सोचा था बड़ा दिखाएगा। हाँ देखो बिट्टू, दिखा बिट्टू होमोसेपियंस, ये तो चिंपैंजी लग रहा है, ये होमो सेपियंस नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये होमो सेपियंस, एस्ट्रोलोथिफिकस होमिनिड, होमिनिड, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरनेस, भाई रहने देते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ये दिख रहा है ना, होमो सेपियंस एंड सेपियंस पढ़ लेना भाई। ये है कुछ इस तरह का मानो, फिर थोड़ा डेवलप हुआ, फिर थोड़ा और डेवलप हुआ, सीधा चलने लगा, पूरी तरह से सीधा चलने लगा, एकदम फिट हो गया बॉडी बिल्डर की तरह, बिट्टू की तरह। तो ये रहा मानव का इतिहास, ये उसके डीएनए में चेंजिंग पीछे देखा। हाँ तो बिट्टू हमारे लिए स्पेशल फोटोज, ध्यान देना, ये देखना, देखिए ये स्पेशल तुम्हारे लिए, होमोसेपियंस, ये होमोसेपियंस का फोटो, ठीक है ये देखना, ये होमोसेपियंस ह्यूमंस, होमोसेपियंस मेल, ठीक है 12 इंच 12 इंच दिख रहा है, मस्त है ना, होमोसेपियंस, 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 होमो नियंडरथलिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, और ये इस तरह से डेवलपमेंट होते गया एक ही करके ह्यूमन में, देखते हैं और दिखाता हूँ और फोटो से देख लेते हैं। ये रहा, ये रहा, ये कुछ फोटो से ये देखो, दिख सा बताना, तो ये चाइनीज लग रहा है मुझे, तो ये चाइनीज लग रहा है, देखना ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में होमो सेपियंस नहीं है, देखना बुद्धि में क्या परिवर्तन है, जब ऐसा था तो बुद्धि ऐसा था, बुद्धि बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा बड़ा होते गया, भाई बुद्धि दिखा। तो कुछ इमेज थे, फोटोज वगैरह थे, ध्यान से देख लेना, ये रहा कुछ और इमेज देख लो, स्पेशली बिट्टू के लिए, ये देख लो, ये तो गांजा फूक रहा है भाई, गांजा मत फूकना भाई, ये देखो ध्यान से देखो, ये गांजा फूकते हुए इंसान को देख, कुछ नहीं बोला मुझे देखने दे भाई। देखो देखो ये फोटो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या शुरू, देख के फोटो देख लेना, क्या भी वे ध्यान से देख लो और दिखा दो, ये देख लो, ये देख लो हमारे पूर्वजों के फोटोज, तो ये रहा कुछ फोटोज वगैरह, आगे चलते हैं।
यहाँ से शुरू हुआ हमारा होमो सेपियंस का, हम जो आज दिख रहे हैं एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत होता है। कब? 1,30,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस इन अफ्रीका में शुरू होते हैं। अफ्रीका में शुरू होने के बाद लगभग अब यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस कब शुरू होते हैं? ये लगभग 20 लाख साल पहले, 1,30,000 साल पहले तो वो था। ये होमो सेपियंस की कहानी कब होती है? 20 लाख साल पहले से, ये 10,000 साल पहले के बीच की कहानी जो है ना, मेरे पास ऑन कर रही। ये 50,000 साल लग गए, 50,000 साल पहले अफ्रीका से। हाँ ये रहा मेरा कहानी, अब इसको एक समराइज वे में लिखते हैं। ओशियन बनती है, समुद्र का निर्माण होता है, ठीक है? इसके बाद जीवन शुरू होता है, लाइफ अपीयर, फिर ऑक्सीजन, वातावरण में ऑक्सीजन मिलता है, फिर उसके बाद पोथरी बनता है। उससे पहले धरती पे वो एक प्लांट प्लांट फॉर्म होता है, किस पे? लैंड पे प्लांट फॉर्म होता है, और उसके बाद पोथरी फॉर्म होता है एनवायरमेंट में। पोथरी फॉर्म होगा प्लांट, पोथरी फॉर्म हुआ तो उसके बाद प्लांट कॉलोनाइज कर जाता है। चल ठीक, यही पोथरी के बाद प्लांट कॉलोनाइज कर जाता है, किस पे? अर्थ पे। प्लांट कॉलोनाइज कर जाता है मतलब प्लांट रहने लगता है धरती पे, पेड़ पौधे उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसके बाद जानवर यानी एनिमल मूव कर जाते हैं समुद्र से लैंड पर, मतलब धरती पे आ जाते हैं, रहने लगते हैं। कौन? जानवर। फिर उसके बाद क्या होता है? डायनासोर इवॉल्व करते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं, और फिर ह्यूमन इवॉल्व करते हैं, ह्यूमन का जन्म होता है। इस तरह से एक समराइज वे। ओशियन फॉर्म, ओशियन बनता है, उससे पहले पृथ्वी बनती है, ओशियन बनता है, लाइफ अपीयर होता है, ऑक्सीजन बन एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर ओथरी बनता है, ऑक्सी बनता है तो ये प्लांट कॉलोनाइज कर जाता है भूमि पर, प्लांट कॉलोनाइज करता है भूमि पर, तो उसके बाद एनिमल जो जानवर हैं वो भूमि पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, जानवर भूमि पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद डायनासोर का इवोल्यूशन होता है, और उसके बाद ह्यूमन का भी इवोल्यूशन होता है। ये रहा हिस्ट्री, ये पहला पार्ट है, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह से ये जो यूनिवर्स का जो समय है, ब्रह्मांड का जो समय है, वो का 1/3 अगर कर दें तो पृथ्वी का समय मिलेगा लगभग 13.7 अरब, ठीक है? का 1/3 करते हैं, मान लो 12 बनते हैं, 3 चौके 12, लगभग 4, 4.5, 4.5 अर्थ का समय दिखता है, लगभग 4.5 साल पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले धरती बनती है। तो अगर ब्रह्मांड जितना समय से है, उसका 1/3 कर दो, तो पृथ्वी का जो समय, जितना समय से पृथ्वी है इस ब्रह्मांड में, उसका समय निकल जाएगा। पृथ्वी का समय, पृथ्वी की उम्र, पृथ्वी का समय, पृथ्वी की समय या उम्र, उम्र प्राप्त होगा। यानी ब्रह्मांड का उम्र को 1/3 कर देते हैं तो पृथ्वी का उम्र प्राप्त होता है। तो बाकी आगे क्लास में पृथ्वी के उम्र के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।